तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आज के एक नई वीडियो के साथ, उसमें बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो भी स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में, उनके लिए जो अपडेट निकल के आ रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो चेंज, मतलब जो बताया था मैंने कौन था, और अब वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट थी वो भी लगभग सेम है, क्योंकि BA चेंजेज है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट BA हैं यानी BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में, उनकी तो एग्ज़ाम 15 जून से हैं, लेकिन जो BSc हैं, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, उनके एग्जाम और जुलाई में जाके हैं, तो वो सारी आज हम बात डिस्कस करेंगे। जो भी इस छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से जो अपडेट निकल के आ रही है, तो वो इंपॉर्टेंट खबर है। जो भी स्टूडेंट छत्रपति CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर से है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं, और आपका जो एग्जाम कब से है उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। सभी यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पढ़ के दिखा देते हैं। तो भारत द्वारा आदेश अनुसार सत्र 2021-22 की NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं का कार्यक्रम विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त परीक्षाएं दिनांक 15 जून 2022 दिन बुधवार से संलग्न परीक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कर संपन्न कराई जाएंगी। दिनांक 4/7 यानी 4 जुलाई 2022 दिन सोमवार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 की स्नातक पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं पूर्व विषय सेमेस्टर की तरह 3 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। तो ये यहाँ पे खबर थी, जो पहले आपके एग्जाम हुए थे फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। ठीक है, संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम से अपने अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपने स्तर पर सूचित कराने का कष्ट करें। तो ये सूचना निकल के आई थी, और इसमें आपकी सारी जो आपका टाइम टेबल है सभी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए बीए वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो आप देख लीजिए बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 15 जून से यहाँ पे शुरू हो रही है, 15 जून से वेडनेसडे हैं। और ठीक है, तो पहला पेपर हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 जून से फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दिया गया है, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नाम दिया गया है, और यहाँ पे ये बीए वाले की हैं, और बीएससी वालों को अभी नहीं है। बीएससी वालों को जाके जुलाई में, वो भी यहाँ पे अभी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी वालों क्या है, यहाँ पे बीए वाले को सभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हर आपको टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, टाइम टेबल पूरा दिया गया है। ठीक है, आप आगे चलते हैं और बीएससी वाले के और जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, कब पेपर कौन सा है। और इसके बाद आते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ से बीएससी वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कब से शुरू हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए 4 जुलाई, देखें ये वाला ऑप्शन, यहाँ देखिए 4 जुलाई से दिए गए हैं। और आपका जो बीएससी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया आपका बीएससी रिलेटेड जो भी टाइम टेबल है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा। और यहाँ से 4 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं यहाँ पे बीएससी वाले, इसके बाद बीकॉम वाले को भी दिया गया है। सभी स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे सभी पेपर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम वाले के 4 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे बीबीए वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर सभी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम टेबल दिया गया था, सारा चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो भी बदल चुका है। पहले दिया गया था एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो फाइनली आपकी जो लिस्ट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट और टाइम टेबल क्या रहेगा वो सभी यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस यूनिवर्सिटी से आपको सारी जानकारी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, जो भी अपडेट आती रहती है, तो हर यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट दी जाती रहती है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है।